नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं खुशबू थपलू, कैमरामैन अजय जाड़ू के साथ ग्रेटर जम्मू के प्रोग्राम टैरो मिस्टिक्स में आज आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारे साथ हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन हैं। इस हफ्ते यानी कि 21 जनवरी से 27 जनवरी तक में टैरो रीडिंग्स के थ्रू गीतिका जी महाजन हमें क्या बताती हैं, शुरुआत करते हैं एरीज, टॉरस और जेमिनाई से। नमस्ते, ग्रेटर जम्मू चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन आपका स्वागत करती है अपने चैनल में, दैट इज टैरो मिस्टिक्स। आइए जानिए इस हफ्ते की भविष्यवाणी, दैट इज फ्रॉम 21 जनवरी से लेके 27 जनवरी तक। हम शुरू करते हैं एरीज, दैट इज मेष राशि वालों के साथ। एरीज के लिए आपने जो प्लान्स अपने बनाए हैं उसमें थोड़ी सी डिस्ट्रप्शन भी हो रही है और आप देखेंगे वो प्लान्स के रिजल्ट्स ना कुछ इतने कुछ खास नहीं आए हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा गिर भी सकता है, बट नेवरदलेस टैरो ये आपको कहना चाहता है कि एक और कोशिश कीजिए, प्लान्स में थोड़ी वेरिएशन कीजिए या फ्लेक्सिबल बनिए कि मे बी इस प्लान में मुझे थोड़ी सी वेरिएशंस करनी है। ऐसे करेंगे तो यू विल डेफिनेटली फाइंड अ डेफिनेट स्ट्रैटेजी जहाँ से आपके जो भी प्लान्स आप बना रहे हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, वो डेफिनेटली आपको सक्सेस की ओर लेके जाएंगे। अब हम देखते हैं टॉरस, दैट इज वृश्चिक राशि वालों के लिए। टॉरेंस के लिए जो आप चाहते हैं या जो आप सोच रहे हैं वो आपके हो भी रहा है आपके साथ, पर इसमें तभी आपको बहुत कंफ्यूजन है कि कहीं जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ वो मुझसे छिन ना जाए, होने से पहले कहीं गड़बड़ ना हो जाए। टैरो आपको ये जरूर कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इनफैक्ट नेगेटिव थॉट्स को इतना वेटेज मत दीजिए, पॉजिटिव थॉट्स को वाटर कीजिए। वाटर का मतलब उसी को सोचते जाइए कि नहीं, मेरे साथ तो अच्छा ही होगा, चाहे ऑब्स्टिकल्स भी बीच में आ रहे हैं पर मेरे साथ भी अच्छा होगा। और ऐसे आपके सारे प्लान्स और आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं वो पूरी हो जाएगी। डेफिनेटली टेक द ब्लेसिंग्स एंड एडवाइस ऑफ योर मदर और अ लेडी फिगर इन द हाउस एंड उनके आशीर्वाद से, उनके ब्लेसिंग से आपके सारे काम भी हो जाएंगे। अब हम देखते हैं जेमिनाई, दैट इज मिथुन राशि वालों के लिए। जेमिनाइज के लिए अ वेरी गुड टाइम, अ वेरी फुलफिलिंग टाइम विद फैमिली, फ्रेंड्स, प्रोफेशनल लाइफ, इमोशनली एवरीथिंग रियली कंटेंट। आप किसी गुड न्यूज का वेट कर रहे हैं उसमें थोड़ा डिले हो चुका है, बट डेफिनेटली इट विल कम इन योर वे। एंड बी केयरफुल ऑफ वॉट यू टेल एंड हाउ यू रिप्लाई इन पब्लिक या इन अ ग्रुप। एवरी टाइम बींग कर्ट या बींग ऑन द फेस इज नॉट सो गुड। कभी कभी डिप्लोमेसी, स्पेशली दिस वीक, डिप्लोमेसी विल हेल्प यू टू गेट योर ओपिनियंस आउट एंड ऑल्सो मेंटेन पीस इन द सोसाइटी एंड इन द ग्रुप एज वेल। एरीज, टॉरस और जेमिनाई के बारे में आप सबने तो हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन जी से सुन ही लिया कि इस हफ्ते इन तीन राशियों का कैसा रहेगा राशिफल। अब हम उनसे अगली की तीन राशियों के बारे में जानेंगे। तो अगली की तीन राशियां हैं कैंसर, लियो, वर्गो। अब बारी आती है कैंसेरियन, दैट इज कर्क राशि वालों के लिए। कैंसेरियंस के लिए अ वेरी 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 ऑस्पिशियस टाइम टू बाय अ न्यू हाउस या एक नई गाड़ी, या अगर आप प्रमोशन या ट्रांसफर चाहते हैं इट विल बी फॉर योर बेनिफिट, इनफैक्ट हो भी जाएगी एंड यू विल फील सो कंटेंट विद योर लाइफ दैट मेरे पास सब कुछ है, व्हाट डू आई नीड टू आस्क फॉर, सब कुछ ही है। इवन इफ यू डोंट हैव द ग्रेट यू नो ट्रेजर्स ऑफ लाइफ, बट जितना भी है इट्स लाइक अ ट्रेजर इन योर लाइफ। इस टाइम पे अगर आप थोड़ी डोनेशन भी करेंगे बिकॉज ऑफ द गुडनेस दैट यू हैव एंड हेल्प समवन इन नीड, इट विल रियली गो अ लॉन्ग वे। अब हम देखते हैं लियो, दैट इज सिंह राशि वालों के लिए। लियोज के लिए यू हैव अ लॉट ऑफ इंट्यूटिव इनपुट्स कमिंग अप। आपको इंट्यूटिवली पता है कि इस बंदे को या इस बंदी को कैसे हैंडल करना है या इस सिचुएशन को भी कैसे हैंडल करना है। इन फैक्ट यू शुड चेंज योर स्ट्रैटेजी ऑफ डूइंग योर वर्क, डू नॉट बिकम टू ऑब्वियस फॉर द अदर पर्सन कि हमें पता ही है कि ये ऐसे रिएक्ट करेगा और या करेगी। ट्राई टू मेक योर रिएक्शन ऑल्सो वेरी डिफरेंट सो दैट द अदर पर्सन डजंट टेक यू फॉर ग्रांटेड और नोज योर एक्शंस बिफोर हैंड। देर इज अ वेरी गुड एडवाइस, जिसको आप एडवाइस भी नहीं मानते हो, आपने उसको रिजेक्ट किया है किसी की बात को। बी ओपन टू लिसनिंग टू एवरीबडी, इवन स्पेशली योर क्रिटिक्स एंड योर एनिमीज। बातें सबकी सुनो, करो अपनी वॉट फील्स गुड टू यू। अगर आपका काम आपको आपके शहर से बाहर लेके जा रहा है इट विल बी वेरी सक्सेसफुल। इफ यू डूइंग एनी फॉर्म ऑफ एग्जीबिशन या आप स्कूल या कॉलेज ले जा रहे हैं इट विल बी वेरी सक्सेसफुल। अब हम देखते हैं वर्गो, दैट इज कन्या राशि वालों के लिए। वर्गोस के लिए आपको सब कुछ पता है, यू नो एवरीथिंग गुड इन लाइफ। आप दूसरों को अच्छी एडवाइस दे रहे हैं पर आप वो एडवाइस अपने में अमल नहीं कर पा रहे हैं। यू मस्ट लिसन टू योर ओन एडवाइस एज इफ आप सोचे कि यू आर गिविंग दिस एडवाइस टू समवन एल्स या यू आर टेकिंग एन एडवाइस फ्रॉम समवन एल्स एंड डेफिनेटली गो ऑन योर एडवाइस।
it will really work wonders for you also. You will suddenly receive a good news which will make you very happy. It could be a marriage proposal, promotion, yeah, something related to children or family health concerns. You will also be very happy and content in your life. In fact, aapko lagega ki agar main with one or two friends or even if I'm alone, I'm feeling very satisfied because nature, animals, rearing plants, in fact, taking care of plants, nurturing them is going to make you actually very happy from within. अब हम हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन जी से अगली की तीन राशियों के बारे में जानेंगे। तो हमारी अगली की तीन राशियां हैं लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस। अब बारी आती है लीब्रेंस की, दैट इज तुला राशि वालों के लिए। लीब्रेंस के लिए यू आर गोइंग टू रिसीव अ वेरी गुड न्यूज, अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज रिगार्डिंग योर लाइफ, कुड बी प्रोफेशनल और पर्सनल। इनफैक्ट आपकी कोई हॉबी है वो आगे जाके बिजनेस या एक हाई प्रोफेशन में भी बन सकती है। इफ यू आर डिसाइडिंग टू गेट मैरिड और स्टार्ट अ बिजनेस और डू समथिंग न्यू इन योर लाइफ, इट विल बी वेरी सक्सेसफुल। ऑल इन ऑल अ वेरी गुड वीक फॉर यू। अब हम देखते हैं स्कॉर्पियन, दैट इज वृश्चिक राशि वालों के लिए। स्कॉर्पियंस के लिए अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है या आप किसी फैमिली बिजनेस के लिए काम करते हैं तो आपका काम आगे बढ़ेगा। यू विल ऑल्सो गेट इन टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एंड इन केस यू ऑलरेडी इन टू दिस बिजनेस ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, आपके होराइजन्स एंड ज्योग्राफीज भी ज़्यादा वाइडेंड होंगे। आपके लाइफ में अगर यू हैव अ चॉइस टू गेट मैरिड टू समवन, डेफिनेटली गेट मैरिड टू अ वर्किंग वुमन इन केस यू आर अ मैन। एंड अगर यू आर अ वुमन, देन योर वर्क, आपका काम है, आपने जो मेहनत किया है उसका इतना अच्छा रेपुटेशन है कि आपके काम, आपके नाम की वजह से आपका काम आएगा। अ वेरी गुड टाइम टू स्टार्ट अ न्यू लाइफस्टाइल, अ न्यू डाइट, टू इफ यू प्लानिंग अ प्रेगनेंसी और वांट टू गेट मैरिड और गेट इनटू अ रिलेशनशिप। अब हम देखते हैं सैजिटेरियन, दैट इज धनु राशि वालों के लिए। सैजिटेरियंस के लिए यू विल बी ट्रैवलिंग समवेयर फॉर इट कुड बी अ सोलो ट्रैवल एंड उसमें आपको एक स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आएगी एंड ऑब्वियसली वॉट फॉर वॉट एवर रीजन्स यू आर गोइंग यू विल फाइंड सक्सेस आउट देयर। इन फैक्ट योर लक इज वेरी गुड। इफ यू वॉन्ट टू राइट अ बुक, यू वॉन्ट टू ट्रैवल और यू वॉन्ट टू फिनिश सम प्रोजेक्ट, एट दिस पॉइंट दिस वीक वो सब हो भी जाएगा। अगर आप काम के सिलसिले में कहीं बाहर जाते हैं, यू विल बी एबल टू अक्वायर दैट बिजनेस एंड गेट अ लॉट ऑफ अक्लॉज फ्रॉम योर सीनियर्स। ये नौ राशियों में हमने हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन जी से सुन लिया कि इस हफ्ते टैरो रीडिंग्स के थ्रू वो हमें क्या बता रही है। अब हम उनसे आखिर की तीन राशियों के बारे में भी जान ही लेते हैं कि उसके बारे में उनका क्या कहना है। तो हमारी आखिर की तीन राशियां हैं कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसेस। अब हम देखते हैं कैप्रिकॉर्न, दैट इज मकर राशि वालों के लिए। ये राशि ऐसी है जिसका भी बर्थडे गया होगा। So very good time to spend with your family, with your loved ones, maybe even your childhood friends. आपको ऐसे लगेगा कि मेरे लाइफ में बहुत धोखे हो चुके हैं एंड आई वॉन्ट टू मूव ऑन, विच इज़ गुड, यू कैन मूव ऑन। ये सब धोखे बस एक एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ है, जस्ट टू नो हाउ टू हैंडल डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल बिकॉज यू आर मेंट टू एक्चुअली लीड अ ग्रुप। यू नीड टू बी केयरफुल ऑफ होम यू ट्रस्ट एंड होम यू डोंट। तो अपने जो सीक्रेट्स है ईदर टेल वन और टू पीपल, जस्ट वन एक्चुअली, and do not trust anybody very blindly. Take care of your health. There is a possibility of falling, of going on a bed rest, but that is only for a few days. Or is time pe actually you can reprioritize your life and make goals ahead. So even this is actually considered a good time for you. Ab hum dekhte hain Aquarius, that is Kumbh Rashi walo ke liye. Aquarius ye sign hai jiske birthdays abhi aayenge. सो फॉर यू गाइज, अगर आप कोई गवर्नमेंट बेस्ड कोई काम करना चाहते हैं, इट विल बी वेरी सक्सेसफुल। इन द फैमिली इफ यू गो अप एंड यू वॉन्ट टू गो अप इन द लैडर ऑफ योर करियर और इन योर फैमिली, यू हैव टू रिस्पेक्ट योर सीनियर्स, उनकी बात मान के देन अगर आप अपनी बात आगे डालेंगे तो डेफिनेटली दे विल बी एबल टू एक्सेप्ट चेंजेस। देर कुड बी अ लिटिल हार्ट ब्रेक इन योर लाइफ, बट दैट इज वेरी टेम्प्ररी। ओवरऑल यू विल अचीव लॉट ऑफ सक्सेस विथ योर फैमिली, यू इंजॉय योर फैमिली टाइम। And even if you are into a business or you are a professional, you will get lots of appreciation and in fact, even promotion is on the cards for you. Ab hum dekhte hain Pisces, that is Meen Rashi walo ke liye. Pisces ke liye you just started a new work, a new lifestyle or a new diet. Usme you have to be a little strict with yourself. Agar aapka boss bhi thoda strict hai, maybe his words, his tone is not very good, but his words are very wise.
दे मे बी स्ट्रिक्ट, अगर आप उसको फॉलो करेंगे देन यू विल डेफिनेटली गो अ लॉन्ग पाथवे. इफ यू प्लान टू डू एनी बिजनेस विथ योर पार्टनर इट्स वेरी सक्सेसफुल, और इफ यू वॉन्ट टू गेट इन टू अ पार्टनरशिप दिस इज ऑल्सो गुड वीक टू डू सो. इन 12 राशियों का इस हफ्ते कैसा रहेगा हाल, यानी कि 21 जनवरी से लेके 27 जनवरी तक, आप सबने सुन ही लिया कि गीतिका जी महाजन जी ने हमें इन 12 राशियों के बारे में क्या बताया. अब हम उनसे जानेंगे कि गाइडेंस ऑफ द वीक में वो हमें क्या गाइड करती है, आइए जानते हैं. अब हम देखते हैं गाइडेंस ऑफ द वीक. गाइडेंस ऑफ द वीक में व्हाट टैरो इज ट्राइंग टू टेल अस इज दैट यू नो, हम कभी कई बार बोलते हैं कि हम तो इतने अच्छे इंसान थे पर हमारे साथ इतना बुरा क्यों हुआ है. बट यू नीड टू नो दैट वी आर ऑल्सो मेकिंग बैड कॉसेस. हम अच्छे लोग भी बैड कॉसेस कभी कभी बना लेते हैं. एंड सो सम सिंपल थिंग राइट नाउ, जैसे कि देर इज़ अ होल एक सिनेरियो है इंडिया में जो एक आने वाला है दिन, एंड उसमें इतने यू नो SMSs, WhatsApps एंड एवरीथिंग विल बी देयर ओपिनियंस एंड एवरीथिंग. अगर हम किसी क्रिटिसिज्म को या किसी बैड न्यूज़ को या किसी यू नो सनसनी न्यूज़ को, लाइक यू नो रॉन्ग न्यूज़ ऑल्सो या रूमर्स को अगर हम अपने ही रास्ते में रोक देंगे, दैट इज़ ऑल्सो गुड कर्मा. सो इफ यू डोंट फॉरवर्ड दोज मैसेजेस विच इज़ गोइंग टू क्रिएट डिस्कॉर्ड और डिसहारमोनी इन द कम्युनिटी और इन समवन्स माइंड, बट इफ यू जस्ट फॉरवर्ड मैसेजेस विच आर गोइंग टू मेक समवन फील बेटर एंथुजियास्टिक और फील बेटर अबाउट देमसेल्फ, दैट इज़ डिफरेंट. बट एनी रूमर दैट यू सी, इफ यू स्टॉप मैसेजिंग एट योर एंड, यू विल थिंक अरे मैं एक है, 10-20 लोग हैं जो करेंगे, दैट्स ओके, बट दैट वन मैसेज इनटू 100 नहीं होगा. सो दैट इज ऑल्सो वन मेजर एक्ट दीज डेज ऑफ राहु, दैट वी आर क्रिएटिंग अ बैड कर्मा. तो अगर हम अपने ही एंड पे रूमर्स को मार देते हैं या दबा देते हैं, इनफैक्ट हमारा कर्म जो नेगेटिव है वो भी कटता है एंड वी क्रिएट गुड फॉर्च्यून. ठीक, आई होप दिस हेल्प्स यू, एंड इससे मैं इजाजत लेती हूँ आपसे, मिलते हैं अगले हफ्ते, धन्यवाद. तो गाइडेंस ऑफ द वीक में हमने हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन जी से ये जाना कि इस हफ्ते अगर आप सब किसी भी नेगेटिव थॉट्स को अपने अंदर लाएंगे, यानी भी किसी तरीके के बैड रूमर्स अगर आप सुनेंगे या कोई भी क्रिटिसिज्म आप अपने तक ही रखेंगे, उसको आगे फॉरवर्ड ना होने देंगे, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज को आगे बढ़ने से एक रुकावट उसमें ला देंगे, यानी कि आपका अपना कर्मा भी उसको रोक देगा, आपकी बहुत सारी चीजें वहीं पर स्टॉप हो जाएंगी, आप उसको आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे. सो इसी के साथ मैं खुशबू थपलू कैमरामैन अजय जाड़ू के साथ आप सबसे विदा लेती हूं. हमारे इस चैनल ग्रेटर जम्मू में बने रहने के लिए धन्यवाद. आपसे यही कहती हूं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें. धन्यवाद.